हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हो फिट निधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हरी मिर्च का अचार या फिर जो हरी मिर्च रखी हुई होती हैं, थोड़ी थोड़ी लाल हो रही होती हैं इस तरीके से, उन अचार की रेसिपी इतनी आसान तरीके से और बहुत ही कम सामान में बनाना बताऊँगी। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्च ली हुई हैं, ये रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी लाल होने लगी हैं। इनको धुल करके और इस तरीके से इनके डंठल निकाल लेंगे। धुलने के बाद इनको हमें सुखाना है, कम से कम इनमें 3 से 4 घंटे की धूप लग जाए, जिससे इसके डंठल आसानी से निकल जाएंगे और ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं रह जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च को हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने टोटल 1/2 kg यानी कि 1/2 किलो हरी मिर्च ली हुई है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको 2 बार में दरदरा पीस लेंगे। हमें बिल्कुल महीन नहीं करना है, बस इस तरीके से दरदरा रखेंगे। हम इस समय हरी मिर्च को हम कूट करके इसलिए बना रहे हैं, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें थोड़ी सी हरी मिर्च का अचार खाना है तो फिर हमें मजबूरी में ज़्यादा या तो पूरी एक हरी मिर्च या आधी लेनी पड़ती है और वो खाने में भी प्रॉब्लम होती है। हरी मिर्च को दरदरा पीसने के बाद फिर हमने यहाँ पे पीली सरसों लिया है 2 चम्मच और यहाँ पे हमने 3 चम्मच लिया खड़ा साबुत धनिया और 1 चम्मच अजवाइन और यहाँ पे हमने 3 चम्मच लिया है सौंफ। ये मसाले हमने लिए हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ मसाले और लेंगे। ये मसाले लगभग सभी के घरों में होते हैं तो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ हमने कुछ काली मिर्च के दाने लिए हैं और कुछ लौंग लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे जीरा लिया है लगभग 3 चम्मच। तो ये सभी मसाले हमें लेने हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इसमें जो हमने काली मिर्च और लौंग निकाली थी, इसी में हम थोड़ा सा साबुत जो मेथी दाना होता है वो लेंगे यहाँ पे। तो 1 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, ज़्यादा मेथी दाना नहीं लेना है अदरवाइज़ कड़वा आ जाएगा मसाला। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हींग ऐड करेंगे, ये देखिए। तो लगभग 1/2 चम्मच हम यहाँ पे हींग लेंगे, ये देखिए इस तरीके से 1/2 छोटी चम्मच हींग लेंगे। इन मसालों को हमें, ये देखिए टोटल इतने मसाले में जीरा चाहिए और साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च, हींग और ये साबुत खड़ा धनिया, पीली सरसों, सौंफ और ये अजवाइन। तो टोटल इतने मसाले हमें चाहिए और 1 चम्मच हम यहाँ पे जो काली सरसों है वो लेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग जार जिसमें हमने हरी मिर्च दरदरा पीसा था उसी में हम इन मसालों को ऐड करके और दरदरा पीस लेंगे। हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा रखना है तभी ये मसाले अच्छे लगेंगे। और देखिए सभी चीज़ें हमने मिक्सी में ग्राइंडिंग जार में ले लिया है और ये देखिए बिल्कुल दरदरा इसका पाउडर तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये अचार बन के तैयार हो जाता है। और अब हमने यहाँ पर 10 से 15 लहसुन की कलियाँ लिया है, इनको हम दरदरा कूट लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि दरदरा रहता है तो अच्छा लगता है। गैस हम थोड़ा सा सरसों का तेल लगभग 2 बड़े चम्मच लेंगे और उसको गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाएगा तो गैस को बंद करके और तेल को हम उतार लेंगे। और ये देखिए, जब तेल हल्का सा ठंडा होने लगे यानी कि हल्का गुनगुना रहेगा, तभी हम क्या करेंगे, जो हमने लहसुन की कलियां दरदरी कूटी हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, लहसुन का पूरा फ्लेवर तेल में आ जाएगा और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। छोटे छोटे स्टेप हैं लेकिन ये अचार को बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। बहुत ही कम सामान में बहुत ही जल्दी ये अचार बन के तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो अचार था दरदरा हमने पिसा हुआ था हरी मिर्च, उसमें ये दरदरे पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे, ये देखिए। और जो तेल था लहसुन वाला वो ऐड करेंगे। इससे पहले कि हम यहाँ पे हल्दी 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे, तो 3 चम्मच हम यहाँ पे टोटल नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये हरी मिर्च का अचार है तो बस इसमें मिर्च नहीं ऐड करनी है, केवल नमक और खटाई अगर आप ऐड कर देंगे सभी मसालों के साथ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए मिला लिया है और अब हम जो लहसुन वाला तेल है वो भी इसमें मिला लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना थोड़ा थोड़ा सामान से ये कितना अच्छा अचार बन के तैयार होगा। ये देखिए तेल मिलाने के बाद फिर हम इसमें
अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे पिसी खटाई ऐड करेंगे, यानी कि अमचूर पाउडर। तो यहाँ मैं थोड़ी सी कम ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो मिर्च के अचार में वो खटाई होती है वो अच्छी लगती है। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर विनेगर। तो ये देखिए, काला जो सिरका आता है वो अब हम ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ हम 4 से 5 चम्मच सिरका ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ये अचार ज़रूर बनाएं, आप ज़्यादा मात्रा में बनाएं। और ये थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था तो वो हमने फिर से ऐड कर दिया है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा तेल, यानी कि पूरा भर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट वाला ये अचार बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हमें कुछ स्टेप और करने हैं, उसको ध्यान से देखें वीडियो को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे एक कांच का जार, ये देखिए इस तरीके से, और उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। अगर कांच का जार है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप किसी भी जार में रख सकते हैं। और अब हम इसमें एक कपड़ा बांध देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, अचार तो ये खाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक दो बार, एक एक दो दो घंटे के लिए आप इसको धूप में रख सकते हैं, जिससे मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए मिर्च में। और इसको आप दाल चावल के साथ खाइए, कभी कभी होता है प्लेन दाल चावल बनाए, आप ये अचार खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। पूड़ी पराठा के साथ खाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।